हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित विकास और मैं आज आपको बीएससी में यानी बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे कि जूलॉजी का हमारे थर्ड ईयर का जो सिलेबस क्या है। ठीक है, तो उसको हमने तीन पेपर्स में डिवाइड किया है। पहला पेपर है हमारा अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, सेकेंड पेपर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टेटिक्स। ठीक है, और थर्ड पेपर है हमारा इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो फर्स्ट पेपर को हमने चार यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पेपर पर हमारा अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, तो इसमें हमें कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो यूनिट में फर्स्ट में हमें पैरासाइटोलॉजी यानी पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिटी इंक्लूडिंग डिजीज, कॉजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ट्राइपैनोसोमा, जियार्डिया एंड बाउकेरिया। ठीक है, ये तीन पैरासाइट्स हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं और इनका हमें अच्छे से टाइप स्टडी करनी है यानी लाइफ विद लाइफ साइकिल। ठीक है, सेकेंड यूनिट में क्या है हमारा, सेकेंड यूनिट में वेक्टर एंड पेस्ट, लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट। हमें कौन कौन से पेस्ट का कंट्रोल करना है आइए देखते हैं। गुंडी बग, सुगर केन, लीफ ओपर, रोडेंट्स, टर्माइट्स एंड मॉस्किटो एंड देयर कंट्रोल, यानी हमें इन सब का कंट्रोल करना है। ठीक है, इनके कंट्रोल के बारे में पढ़ना है कि इनको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो यूनिट थर्ड में हमने क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, यानी एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल की ब्रीडिंग हम कैसे करा सकते हैं, उसका कल्चर भी कैसे करा सकते हैं वो देखते हैं, वो इसमें हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से कल्चर पढ़ने हैं, इसमें हमें एक्वा कल्चर पढ़ना है, पिसी कल्चर पढ़ना है, पॉल्यूट्री, सैरी कल्चर, हैपी कल्चर, लैग कल्चर। एक्वा कल्चर में हम ठीक है जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका कल्चर करेंगे। पिसी कल्चर में फिशेस का हम कल्चर करेंगे। ठीक है, पॉल्यूट्री में हम यानी मुर्गी का कल्चर करेंगे। सैरी कल्चर में हमें सिल्क वॉर्म, हैपी कल्चर में हमें हनी बी का करना है। ठीक है, और लैग कल्चर में हम लैग इंसेक्ट का कल्चर करेंगे जिससे हमें लाख मिलती है। ठीक है, यूनिट फोर्थ में क्या है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कौन कौन सी स्पीसीज हमारी खतरे में है वो, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने नेशनल पार्क हैं वो पढ़ने हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स स्पीसीज। ठीक है, यानी एनिमल स्पीसीज को बचाने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं हमें वो पढ़ना है। इंसीटू एंड एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में इंसीटू एंड एक्सीटू कंजर्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। आई थिंक आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। तो अब हम सेकेंड पेपर पे आते हैं। सेकेंड पेपर हमारा बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, इस पेपर को भी हमने फोर यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो वो फोर यूनिट कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। पहली यूनिट है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट एंड RDT यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड मेडिकल एरियाज एंड एनर्जी प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है और एनर्जी प्रोडक्शन में उसका क्या रोल है और एग्रीकल्चर में उसका क्या रोल है और मेडिकल एरियाज में उसका क्या रोल है, हम ये सब इसमें पढ़ेंगे। अगली यूनिट है हमारी इम्यूनोलॉजी। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमारी इम्यूनोलॉजी, तो इसमें हम इम्यूनोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी,
यानी इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, एंटीजन एंटीबॉडीज हमें ये पढ़ने हैं, वैक्सीन ऑफ डिफरेंट डिजीज, जितनी भी डिजीज हैं ठीक है उनकी वैक्सीन के बारे में पढ़ना है, एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक यूज, ठीक है हम इसके बारे में पढ़ना है, जो बायोलॉजिकल टूल्स हम यूज करते हैं और टेक्निक उसकी क्या टेक्निक यूज हैं, टेक्निक्स हैं यूज करने की, तो प्रिंसिपल्स एंड यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें हमें पीएच मीटर, कैलोरीमीटर, माइक्रोटोम, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी में हमें लाइट ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये पढ़ना है। तो यूनिट फोर्थ में हमारे बायोस्टैटिक्स, तो बायोस्टैटिक्स में हम क्या 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 पढ़ेंगे आइए वो भी देखते हैं। सैम्पलिंग, मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमें मीन मीडियन एंड मोड ये पढ़ना है, एंड डिस्पर्शन जिसमें वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर इसके बारे में पढ़ना है, और कोरिलेशन हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे ये पूरा सेकंड पेपर हमें चार यूनिट्स में डिवाइड किया है और ये उसका सिलेबस रहा, ये आपको आप उसको आसानी से देख लीजिए। अब हम आते हैं थर्ड पेपर पे, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो इस पेपर को भी हमने चार यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो वो चार यूनिट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहली यूनिट है हमारी इकोलॉजी, इसमें इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एनर्जी फ्लोस, फूड चेन्स, फूड वेव्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स, इकोलॉजिकल निक, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, पॉपुलेशंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एडेप्टेशंस, एक्वेटिक, जो एडेप्टेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड आर्बोरियल, ठीक है ये हमारे एडेप्टेशंस हैं। एडेप्टेशन का मतलब है अनुकूलन। यूनिट सेकेंड में हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी में हमें मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन आउटलाइन, ठीक है, और बैक्टीरिया एंड वायरस, वायरसेस बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और उनके इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज के बारे में पढ़ना है, जो बैक्टीरिया जो डिजीज हमें बैक्टीरिया और वायरस से होती हैं। तो यूनिट थर्ड में हमें एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, तो एनिमल बिहेवियर में हम क्या क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर के क्या क्या पैटर्न्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पैटर्न हैं, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, इंसेक्ट एंड मोटिवेशंस, तो ये सारे पैटर्न्स हैं, जिसमें बायोरिदम्स, लर्निंग एंड मेमोरी, माइग्रेशन ऑफ फिशेज एंड बर्ड्स, इसमें बर्ड्स का माइग्रेशन ऑफ फिशेज भी है, तो हमें इसके बारे में भी पढ़ना है कि बर्ड का माइग्रेशन ऑफ फिशेज, यानी फिशेज का माइग्रेशन कैसे होगा और बर्ड अपनी माइग्रेशन माइग्रेट कैसे करती हैं, किस एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए, ठीक है। तो लास्ट यूनिट में है पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो इसमें हमें पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, सोर्स, टाइप्स, एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, और हमें इनके कंट्रोल करना है, एक्सपोजर्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स, बारे में हमें पढ़ना है, ओके। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इस पेपर को भी हमने चार फोर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और ये 50 मार्क्स है और बाकी वो
अब हम इसके प्रैक्टिकल सिलेबस देख लेते हैं। प्रैक्टिकल सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं, जिसमें हमें पहला डिसेक्शन करना है, वो मेजर है जो 12 नंबर का है, ठीक है। परमानेंट माउंटिंग है वो 6 नंबर की है, टेम्परेरी माउंटिंग है वो 5 नंबर की है, ठीक है। स्पॉटिंग है जो हमें 1 से 8 तक स्पॉट करने हैं वो 2 नंबर के हैं, इसलिए 16 हमें 8 स्पॉट हो गए, ठीक है। अगली एक्सरसाइज है हमारी इसमें इकोनॉमिक जूलॉजी या लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, हनी बी, लैक इंसेक्ट या ईडेबल फिशेज, ठीक है। 2 ये 6 नंबर की हैं। टूल्स एंड टेक्निक यूज, ये 6 नंबर का है। अगला है बायोस्टैटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी, ये भी 6 नंबर का है। अगली एक्सरसाइज है तो ये भी 6 नंबर के हैं। तो वाइवा वाइस, ये भी हमारा 6 नंबर का है। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, क्लास रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट और कलेक्शन, ये भी हमारा 6 नंबर का है। तो टोटल हो गया हमारा 75, ओके, यानी कितने का हो गया 75। तो 75 का हमारा प्रैक्टिकल है, तो ये हमारे थ्योरी पेपर हैं। थ्योरी का पेपर हमारे तीनों पेपर हैं, ठीक है। कितने कितने नंबर के हैं, पहला पेपर हमारा 50 नंबर का है, दूसरा पेपर भी हमारा 50 नंबर का है, तीसरा पेपर भी हमारा 50 नंबर का है। थ्योरी हमारी कितने हुई, 150 नंबर की, ठीक है। अब हम उसमें प्रैक्टिकल को ऐड करेंगे, तो 75 नंबर का प्रैक्टिकल है वो ऐड होगा, तो टोटल हमारा हो गया 225, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारे दूसरे सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तीनों पेपर हमारे 150 नंबर के हैं, तो 150 नंबर के पेपर हो गए और प्रैक्टिकल हमारा 75 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो टोटल जो है हमारे 225 यानी 225 नंबर का एक सब्जेक्ट हुआ जूलॉजी का, ओके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।